तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी तक आपने देखा किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है। अब हमने बहुत सारी चीजें देखी, उसमें हमने देखा प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, हमने देखा टेंस में किस तरह से चेंज होते हैं, और हमने ये भी देखा कि प्लेस और स्थान में कैसे, टाइम में कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब आपको बताने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव में चेंजेस कैसे आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत तेजी के साथ, बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा, इसलिए बहुत आराम से आपको समझते चलना है। देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कैसे होगा, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले एग्जांपल देख लीजिए आप, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये है एक, और इसका इनडायरेक्ट आपको कह दिया बनाने को, ठीक है। पहला दूसरा आंसर देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं कहूं यहां ऐसे ही सेम, ही सेड आर यू डूइंग दिस, ठीक है, इसका क्या कह रहा है आपको, इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं, इन दोनों का आपको इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए बहुत आसानी के साथ समझिएगा, यहां मैं कुछ चेंज करने वाला हूं, कुछ चीजें बदलने वाला हूं, आपको अभी वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको ये चेंज करके बड़ी आसानी के साथ दिखाऊंगा। देखिएगा यहां पर ही सेड, यहां पर आपका व्हाट ही वॉज डूइंग, ठीक है, अभी मत समझिए क्या मैंने किया, बस समझिए अभी मैं कुछ लिखाऊंगा, उसके बाद यहां पर आस्क्ड हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, आस्क्ड इफ ही वॉज डूइंग दैट, ठीक है, ये चीज। तो इस तरह से दो चेंजमेंट आप देख रहे हैं। अब एक काम करिए, ये दोनों चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या क्या किया, तो इसके लिए काम करिए, अब लिखिएगा नोट्स, यानी रूल नंबर एक, रूल नंबर एक लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लिखिए इंट्रोगेटिव, इसको ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लिखाते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड इंट्रोगेटेड क्वेश्चन्ड इत्यादि में परिवर्तित कर देते हैं ना, said to को asked, interrogated, questioned में परिवर्तित कर देते हैं। Interrogative sentence में जो said to रहता है, यानी reporting verb का जो said to रहता है, उसको हम क्या चेंज करते हैं, asked में कर देंगे, interrogated में कर देंगे, या questioned में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अमूमन किस में चेंज करेंगे, asked में चेंज करते हैं, ठीक है, अमूमन, यानी कि आपको सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आप किस में चेंज कर दीजिएगा, asked में चेंज कर दीजिएगा। लिखेगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर, दूसरा, अगर मैं लिख दे रहा हूं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस या नो में दिया जा सके ना, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस या नो में दिया जा सके, यस या नो में दिया जा सके, यस या नो में दिया जा सके, तो कंजक्शन इफ या वेदर में परिवर्तित कर देते हैं, इफ या वेदर में परिवर्तित कर देते, परिवर्तित का मतलब लगा देते हैं ना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप का मतलब आपको क्या कहना है, हेल्पिंग वर्ब से जिसकी शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या कर रहे हैं भैया, इफ या वेदर लगा देना है। तीसरा लिखेगा, ये दूसरा हो गया, पहला ये था, दूसरा है, तीसरा लिखेगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली का है, किस फैमिली का, डब्ल्यू एच यानी व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, इस तरह से, ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली का है,
डब्ल्यू एच फैमिली का है, तो इफ या वेदर का प्रयोग ना करके, लिखो मेरे भैया, इफ या वेदर का प्रयोग ना करके, इफ या वेदर का प्रयोग ना करके उस डब्ल्यू एच को ही कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस डब्ल्यू एच को ही कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस डब्ल्यू एच को ही, यानी वॉट रहेगा तो वॉट हो जाएगा, वैन रहेगा तो वैन हो जाएगा, वाई रहेगा तो वाई हो जाएगा, यानी उस डब्ल्यू एच फैमिली को ही उसमें इस्तेमाल कर देंगे ना। लिखेगा तीसरा, लिखेगा चौथा, लिखेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। देखिए ऊपर वाले हमने यही किया था ना, जैसे आर यू कमिंग देयर था तो हमने क्या किया, इफ या वेदर लगा के यू के अनुसार, यू किसके, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट यानी ही के अनुसार से वहां ही लगा दिया था। कहने का मतलब असर्टिव सेंटेंस में यानी इंट्रोगेटिव का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका असर्टिव सेंटेंस में यानी कि सकारात्मक जो आपका विधि सूचक होता है उसमें बनेगा ना। अभी आपको एक एक चीज बताएंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पांचवा लिखिएगा, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट लिखेगा पांचवा, पांचवा किसी और कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण रूल है, यानी कि आपको इसमें टू याद रखना, टू वाला इस्तेमाल होगा कब, जब आप इंपरेटिव सेंटेंस का क्या बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। एक आखिरी रूल लिख लीजिए, तो भैया एक आखिरी रूल लिखिएगा, एक आखिरी रूल लिखिएगा, लिखिएगा अगर 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 मैडम, मैडम आपका आता है, मैडम और सर आता है, आता है, अगर मैडम और सर आता है तो रिस्पेक्टफुली का इस्तेमाल किया जाएगा, रिस्पेक्टफुली का इस्तेमाल किया जाएगा, या करके लिखिएगा अगर लविंगली डियर डार्लिंग ना, अगर लविंगली डियर डार्लिंग का, लिखिए भैया अगर डियर डार्लिंग लविंगली का इस्तेमाल होता है, का इस्तेमाल होता है तो रिस्पेक्टफुली का कतई इस्तेमाल नहीं, आपको प्रश्न में ये दे करके फंसाएगा। हम अभी देखेंगे डायरेक्ट इनडायर जब खत्म करेंगे तो आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो वहां पर इस तरह के प्रश्न आपके एसएससी में हो, यूपी ट्रिपल एससी में हो, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वहां पर इस तरह के घुमावदार, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, पता है कि आप इन नियमों में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। रिस्पेक्टफुली का, लिखिएगा आगे, रिस्पेक्टफुली का कतई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कतई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा अगर नहीं किया जाएगा तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, थमो जरा देखो ध्यान से, इस्तेमाल किसका किया जाएगा, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली या लविंगली, ठीक है, लविंगली का इस्तेमाल किया जाएगा, किया जाएगा। देखिए सात रूल हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये आपके दिमाग में रच बस जाने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। रचने बसने का मतलब क्या, आपको प्रैक्टिस सेट के साथ इसे दिखाया जाएगा, उसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो भैया ये सात रूल हो गए, अब हम आपको समय सभी रूल पे, हर रूल पे एक एक दो दो एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। उन रूल्स को आपके सामने यानी कि आपकी आंखों के सामने वो रूल्स होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, इसके बाद ही आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश अभी करिएगा, ठीक है, अभी के स्तर पे तो ऐसा ही करिएगा, बाद में चाहे जो करिएगा, बाद में तो मैं बता रहा हूं आप दो मिनट में आपको देखते ही उत्तर मिलेगा, देखते हैं कैसे। अच्छा एक प्रश्न लेते हैं, चलिए अगर मैं कहूं ही सेड टू राम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है, जस्ट टेक दिस एग्जांपल
and try to transfer from direct into indirect. ठीक है, ये अपना है. अच्छा, हमने क्या बताया था, he को same का same. ये क्या है, ये वाला कौन सा है, reporting verb है. ये reporting verb है and this is reported speech. reported speech को बदलाव जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार अपना ये वाला भाई, यानी reporting verb वाला भाई होगा. चलिए ये चीजें आप देखें हैं. यहां पर क्या होगा, asked होगा या questioned होगा या interrogated होगा, जो भी आपको अच्छा लगे. अच्छा लगे साथ साथ ये भी नियम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में किस तरह के आपके ऑप्शन आते हैं वो आपको नियम अगर पता होंगे तो आपको आसानी होगी. अच्छा, अपनी सुविधा के लिए हम यहां पर एक रखते हैं, ठीक है, यहां आस्क रखते हैं, आज के बाद राम हो जाएगा. अच्छा, एक बात बताओ, क्या यहां इफ या वेदर लगेगा, क्योंकि हमको बताया गया, हमने आपको अभी बताया इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बताया अगर WH फैमिली का व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन ये सब शब्द आए तो आपको क्या करना है, उसी को आपको कंजक्शन के रूप में क्या करना है, इस्तेमाल करना है. अच्छा, एक बात और, कंजक्शन क्या होता है, दो शब्दों या वाक्यों को जुड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द ही क्या होता है, कंजक्शन होता है. जैसे टू और क्या था, दैट था, इफ या वेदर था, उसी तरह से यहां व्हाट हो जाएगा. अच्छा, ये हो गया. और एक चीज बताई है, देखिए सारे नियम मैं एक साथ सम्मिलित कर दे रहा हूं. नियम क्या था कि इसको हमने लगाने के बाद क्या करना है, इंट्रोगेटिव को चेंज करना है असर्टिव में. अच्छा, असर्टिव में चेंज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा. लेकिन यहां नियम एक और है कि ये यू जो है सेकंड पर्सन का है. सारे नियम आपके दिमाग में खटा खट आने चाहिए. तो सेकंड पर्सन का है तो हमने बताया था सन बटा 123, नियम याद है सन बटा 123 का, तो उस नियम के अनुसार चलिए एक बार और देखते हैं. सन बटा 123 क्या कहता है, कहता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. यानी ये यू किसके अनुसार चेंज होगा, राम. क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, तो ये राम के अनुसार. अच्छा, राम चेंज होगा लेकिन उस पे डिपेंड करेगा क्या, पर्सन, यानी कि जेंडर डिपेंड करेगा. अच्छा, जेंडर के अनुसार क्या लगेगा, ही सी इट दे में से कोई लगाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे नहीं भाई साहब, क्या होगा, ही होगा. तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. यानी आपको एक ही नियम में सातों नियम का मिश्रण देखने को मिल रहा है. समझ में आ रहा भैया? अच्छा, अगर ना समझ में आया करो तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, नहीं समझ में आया वो हम बताएंगे आपको. ही आस्क्ड राम व्हाट ही. अच्छा, एक बात और, यहां पर आर है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, और नियम क्या कहता है, वाज या वर लगाएंगे, तो ही वाज. अच्छा, यहां वाज क्यों लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही के अनुसार क्या लगता है, वाज लगता है. ये सारे नियम आपको एक साथ देखने पड़ेंगे, अंग्रेजी ऐसे आसान को बनाने का तरीका बता रहे. ही आस्क राम व्हाट ही वाज, यहां पर डूइंग रख दीजिए. एक और दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ये नाउ क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, और टाइम और प्लेस में भी चेंज होता है, तो डूइंग के बाद नाउ किस में चेंज होगा, देन में. अच्छा, यहां पर क्वेश्चन मार्क हटेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताता है, जबकि अपने को चेंज क्या करना है भाई, बोलो यार, चेंज करना है असर्टिव में, असर्टिव में चेंज करना. अच्छा, इस तरह से ये इंट्रोगेटिव बिल्कुल सही उत्तर है, ये तो मैं आपको समझाने. अच्छा, आप बहुत तेजी के साथ देखते हैं, चलिए एक प्रश्न लेते हैं. ही सेड आर यू सेइंग दिस टुडे, ठीक है, ये अपना हमने एक ले लिया. अब इसको तेजी के साथ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी यहां एक और दिक्कत है, इंट्रोगेटिव का कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग गया है, ये तो WH फैमिली का था भैया, लेकिन ये वाला दिक्कत करेगा कैसे, वो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ही सेड इफ. अच्छा, सेड को अपने लोग क्या कर सकते हैं, आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है सेड टू रहे तभी आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन, इंट्रोगेटेड में चेंज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. अपने को यहां क्या कर देना है, आस्क कर देना है, इफ या वेदर में से कोई एक लगाना है, या तो वेदर लगाओ या तो इफ लगाओ. और स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये वेदर भी देखा आपको याद रखना, पूरा का पूरा सही दे देगा, जबकि आपको स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है,
छोटी से छोटी चीजें आपके नंबर पर मायने रखेंगी। तो ध्यान देना है, इफ ये लगा देते हैं, चलिए अपने सुविधा के अनुसार क्या लगा देते हैं, इफ। तो ही आस्क्ड इफ, इसी को भी चेंज करना है, ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, सेइंग। यहां पर दो चीजें चेंज करनी है, पहले तो दिस को दैट, क्यों, क्योंकि दिस क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है, चेंज करेंगे दैट में, टूडे क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, या दैट डे में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे ना, इस तरह से। तो देखिए भैया, इस तरह से दो चीजें आपकी चेंज हो गई, ठीक है, दो आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। चलिए तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, सर या मैडम वाला, जैसे ही सेड टू हर, मैडम कैन आई ड्रिंक वाटर, फटाफट देखिए, सी सेड नो। अब यहां पर परेशानी आएगी, यहां पर परेशानी आएगी, ठीक है, यहां पर परेशानी आएगी। देखिए यह थोड़ा बड़ा है, इसको कैसे आप कोप करेंगे, ये देखने वाली बात है। अच्छा, यहां पर क्या हो जाए, ही को ही रहने दीजिए, सेड टू को अपने ने बार बार सीखा, क्या सीखा, आस्क में चेंज करिए, यहां पर हर लगा दीजिए, हर लगाने के बाद मैडम या सर को रिस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे, कर दीजिए यहां पर रिस्पेक्टफुली कर दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि अंग्रेजी आपके लिए खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा, लेकिन तब खेल होगा जब सारे नियम आपके मैं पास में रख दूंगा तब। तो बहुत ध्यान से सारी चीज समझना है, क्या मैडम या सर, यहां पर सर भी होता तो क्या होता, रिस्पेक्टफुली होता, लेकिन डार्लिंग डियर किसको, प्रेमिका वगैरह को जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डार्लिंग, तो वहां पर क्या चेंज होगा, अफेक्शनेटली में चेंज होगा या लविंगली में चेंज होगा। ये थोड़ी माइन्यूट चीजें हैं, आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, एग्जाम में इस तरह से भी फंसाने की आपकी कोशिश करेगा, याद रखिएगा। रिस्पेक्टफुली में चेंज हो गया, अच्छा फिर अपने को यहां से चेंज करना है, कैन आई ड्रिंक वाटर, फिर से बना इंट्रोगेटिव, फिर से चेंज करिए इसको पॉजिटिव में, यानी असर्टिव में चेंज करिए। कैसे चेंज होगा, रिस्पेक्टफुली के बाद अपने को आई यानी फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे ही के अनुसार, और ही के अनुसार क्या होगा, यहां ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, सन बटा 123, लाल बटा 1, वो नियम याद रखिएगा जो मैथ में लगता है और इंग्लिश दोनों में लगता है। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, ही इसके बाद हो जाएगा ही कुड ड्रिंक वाटर, ठीक है, कुड वाटर, ठीक है, ड्रिंक वाटर, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक दिक्कत और है, इसके बाद आपको क्या करना है, सी आंसर्ड Answered in negative, ये आपको करना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना बड़ा बन रहा है। अब आपको मैं बताता हूं इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां पर नो है तो नो कैसे हो जाए, इन द निगेटिव, आंसर इन द निगेटिव, नो को चेंज करेंगे आप इनडायरेक्ट बनाते वक्त, आंसर इन द निगेटिव में। आघा यहां पर अगर यस होता, अगर उसने कहा होता यस, तो क्या होता, आंसर्ड इन द पॉजिटिव या आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, answered in the affirmative या answered in the negative, no रहेगा तो और yes रहेगा तो। तो भैया इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपको 7 नियम है, मात्र 7 नियम में पूरा इंट्रोगेटिव समा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए उन नियमों को आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपको इंग्लिश का इतना परफेक्ट बना दिया जाए कि आपके इंग्लिश आसान बन जाए आपके लिए। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं यही खत्म करता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेगी को वीडियो इंट्रोगेटिव एक्सक्लाम इंपरेटिव एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।